नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों मैंने मंगाया है वन प्लस के जो सेल चल रही है वन प्लस पे, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, उसमें दोस्तों मंगाया है मैंने वन प्लस का बुलेट G2 वायरलेस नेक बैंड, जो कि दोस्तों आपको IP55 रेटिंग के साथ देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने सिर्फ इसको ऊपर वाले पैकेट को ओपन किया है, अभी इसको ओपन करके नहीं देखा क्योंकि मैंने चेक किया इसके अंदर हमें मिलता भी है या फिर नहीं, क्योंकि चेक करना दोस्तों सही रहता है जी। इसका दोस्तों जो बिल वगैरह होता है वो है, बाकी कुछ नहीं है, इसको करते हैं साइड में। तो ये देखिए, ये है मेरे पास दोस्तों वन प्लस का बुलेट वायरलेस G2 वन प्लस का नेक बैंड। तो दोस्तों आज के टाइम में नेक बैंड ज़्यादा कोई यूज़ तो करता नहीं है इतना, क्योंकि इनकी जब बैटरी वीक होती है, डाउन हो जाती है, तब पूरा सेट उठा कर चार्जिंग में लगाना पड़ता है। तो इस वजह से दोस्तों ज़्यादातर लोग नेक बैंड की जगह बड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बड्स को यूज़ करते टाइम भी आप उसके बॉक्स को चार्ज कर सकते हो और बाद में अपने बड्स को वो चार्जिंग में रख के चार्ज कर सकते हो, तो ये अच्छा एक ऑप्शन होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट दोस्तों फ्री मैंने इसको मंगा लिया क्योंकि मुझे किसी को देना था, किसी के लिए मंगाया था मैंने। तो ये देखिए वन प्लस वायरलेस G2 मैजिक ब्लैक, इसका मैंने ब्लैक कलर मंगाया है, मैजिक ब्लैक। अब दोस्तों इसकी MRP की बात की जाए तो MRP दोस्तों इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी, जो कि यहीं कहीं पे मेंशन की गई होगी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसकी MRP दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होती है, शायद दोस्तों इधर ही होती है कहीं पे, क्योंकि इसकी जो बॉक्स पे जो MRP आती हैं किसी भी आइटम की, वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होती हैं एक्चुअल रेट के हिसाब से। जैसे देखिए इसकी MRP 2299 रुपये है, जबकि जे मैंने आप बताया था आपको मंगाया है सिर्फ 1250 रुपये का, 1150 रुपये का, क्योंकि ये 1300 रुपये का मिल रहा है और 150 रुपये का कार्ड डिस्काउंट मुझे देखने को मिल गया था SBI क्रेडिट कार्ड के ऊपर। दोस्तों चलिए दोस्तों इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके ड्राइवर की, तो इसमें दोस्तों आपको मिलता है 12.4 mm का ड्राइवर, और इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि अगर आप इसको 10 मिनट चाय में लगाते हो 10 मिनट, तो 20 घंटे का ये आपको म्यूजिक प्लेबैक टाइम दे सकता है, यानी दोस्तों 10 घंटे के चार्जिंग के सपोर्ट से ही ये आपको करीब 15 से 20 घंटे तक म्यूजिक सुनने में सपोर्ट करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी जो बैटरी लाइफ है दोस्तों वो 30 घंटे तक की है, बट आप उम्मीद करना कि 30 तो नहीं 20 से 22 घंटे का आपको बैकअप दे देगा ये। और ये आपको IP55 रेटिंग के साथ मिलता है, जिसमें आपको हल्के फुल्के पसीना वगैरह जो आ जाते हैं, हल्की फुल्की बारिश की बूंदें होती हैं, उससे ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। निकालिए दोस्तों, बाकी ये बॉक्स में आपको दिखा। तो दोस्तों देखिए ये नेक बैंड है इस तरीके का, ये इसमें रबड़ वगैरह लगी होती हैं, और इसमें आपको ऑन ऑफ का बटन नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये वन प्लस के दोस्तों जो इस तरीके के जो नेक बैंड आते हैं मैग्नेटिक वायर के होते हैं। जैसे दोस्तों जब इसमें एक बार इसको ऑन कर दूंगा, जब ये एक बार चार्ज में लगाते ही ऑन हो जाएंगे, तो इनको जब आपस में मिला दोगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएंगे, और हटा दोगे तो ये पेयरिंग मोड पे चले जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। तो ये अभी ऑफ हैं क्योंकि ये अभी एक बार पावर सप्लाई में आएंगे, जैसे ही मैं इनको चार्ज में लगाऊंगा ये दोस्तों अंदर से ऑन हो जाएंगे और ये पेयरिंग वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये अलग हैं, जब इनको आप चिपका दोगे आपस में तब कहीं दोस्तों जाके ये बंद होंगे। तो ये इनमें सिस्टम दिया जाता है कि जब आप इनको गले में लटकाते हो, तो अगर आपको ऑन करना है तो उनको हटा के आपस में से हटा के लगा लो कान में तो ऑन है, और जब आपका यूज नहीं है तो चुपका लो दोनों को गले में लटका के इस तरीके से, जब ये इधर से तो दोस्तों ये ऑफ हो जाते हैं। तो ये बटन का सिस्टम नहीं है इसमें, इसलिए ये बेटर होते हैं उन जो बटन वाला सिस्टम होता है उसके मुकाबले, क्योंकि काफ़ी लोग दोस्तों होते हैं जो बटन को प्रेस करना, बंद करना, चालू करना भूल जाते हैं, अचानक से कोई कॉल आ गया तो तब दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ होता है। और दोस्तों चार्जिंग की बात करूँ तो दोस्तों देखिए आपको इसमें सी टाइप चार्जिंग पिन देखने में मिलती है, क्योंकि आजकल सी टाइप ही चल रहा है ज़्यादातर। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये वाला सिस्टम,
तो इसके अंदर दोस्तों आपको एक बॉक्स और मिलता है, ये देखो, जिसके अंदर आपको डाटा केबल मिलती है, कुछ किताब वगैरह मिलती है, पेपर वगैरह जिन्हें कोई यूज नहीं करता, डाटा केबल मिलती है सी टाइप प्लस ए टाइप वाली, और जी कुछ अलग से ये तो ये रबड़ वगैरह मिलती है कान में लगाने के लिए, कि अगर आपको जो बैंड में जो रबड़ लग के आई हैं वो छोटी वाली छोटी हैं तो आप बड़ी लगा सकते हो, अगर वो बड़ी हैं तो ये छोटी वाली यूज़ कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा आपको रबड़ देखने को मिल जाती है। तो यही कुछ होता है दोस्तों इस नेक बैंड के अंदर। और दोस्तों बैंड उसकी बात करूँ म्यूजिक की, साउंड क्वालिटी की, तो आपको इसके अंदर काफ़ी साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। पर दोस्तों नेक बैंड लोग ज़्यादातर बात करने के लिए ही खरीदते हैं, क्योंकि इसमें जो बात करते टाइम क्लियरिटी आती है वो काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि ये दोस्तों एकदम कान के पास में ही होता है, इसका जो माइक होता है वो एकदम मुंह के पास आ जाता है, जिस वजह से इसके अंदर जो बात का सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो लोग इसको इसी वजह से खरीदते हैं कि अच्छे से बात हो सके। तो अगर आपको नेक बैंड चाहिए दोस्तों तो आप फटाफट से इसको हमें ले सकते हो, इसका जो खरीदने का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट बिना किसी सर्च बार में जाके इसको डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा नेक बैंड है ये। और इसमें आपको कलर ऑप्शन की बात करूँ तो आपको इसमें कई कलर ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, मैंने इसका ब्लैक इसलिए मंगाया है क्योंकि मेरे पास इसका रेड कलर ऑलरेडी था, और जो किसी और के लिए मंगाया था तो जिसके लिए मंगाया उसको ब्लैक ही चाहिए था, इसलिए मैंने इसका ब्लैक कलर मंगाया। तो अगर आपको इसका बेस्ट कलर चाहिए जो आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगे, तो दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा आप जाएँ इसके दोस्तों रेड और ब्लैक वाला जो कॉम्बिनेशन है उसकी तरफ, क्योंकि वो दोस्तों ज़्यादा बेटर लगता है, उससे दोस्तों फीलिंग आती है वन प्लस वाली, क्योंकि वन प्लस के दोस्तों प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर आपको पता ही है कि वन प्लस में दोस्तों आपको पता ही है कि रेड का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे पता लग जाता है कि हमारे पास वन प्लस का कोई प्रोडक्ट चल रहा है। तो उसको जेता देखिए वन प्लस का नेक बैंड अगर आपको पसंद आए तो आप इसको परचेस कर सकते हो, 1150 रुपये दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सेल से बात खरीदते हो सेल के बाद तो दोस्तों जी इसकी कीमत हो जाती है करीब 1700 रुपये, उस टाइम पर ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, अभी ये आपको काफ़ी अच्छी कीमत में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।